Welcome to Le Monde. I am the owner of this showroom. This is my manager, Mr. Chopra. Oh, Mrs. Thapper, welcome. आपके हस्बैंड का फोन आ गया था. उन्होंने तो एडवांस में चेक भिजवा दिया. ओ भी ब्लैंक. शो ऑफ. इट्स अमेजिंग. या? हे बेबी, शॉपिंग कैसी चल रही है? तुम्हें और कोई शोरूम नहीं मिला था अपना ब्लैंक चेक भेजने के लिए? क्यों, क्या हुआ? यहाँ पे कुछ भी नहीं है. Just relax. तुम बस चोपड़ा को फोन दो. My husband. Who? Hello, sir. Listen, कल हमारी पहली एनिवर्सरी है और मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी को मैं सबसे कीमती नेकलेस गिफ्ट करूँ. आपको नहीं लगता आप एक साल की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं? बकवास बंद करो. अब लगता है कि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मेरा डिवोर्स हो जाएगा. नहीं नहीं सर, हमारे होते हुए आपको इतनी बड़ी खुशी कैसे मिल सकती है सर? Shut up. What is he saying? He's saying your showroom is third class. Go and get the Rose of Samarkand. Sure. Sir, मुबारक हो सर. Rose of Samarkand आ रहा है. जी मैम. या? अब तो खुश हो ना? Presenting to you the Rose of Samarkand. Exquisite finish by Iranian artist. Just tell me this. अगर मैं इसे खरीदूं, तो मेरे हस्बैंड का बैंक बैलेंस कितना कम होगा? स्विमिंग पूल से चार बाल्टी पानी. बस यानी चार बाल्टी पानी ही बचेगा, बाकी सब फकीर चंद हो जाएगा. Then I will take it. Good morning. Morning, morning. Hello, and hands up. You too, hands up. Look, you can't get away with this. This building is heavily guarded, and my guards are... You press that, I'll press this. Listen, तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते. Catch him! What happened? Jump and catch! No one is there. Arey, you can't jump! Follow! Close our gates! Hurry up! कमाल है. एक चोर ने शॉपिंग मेरी खराब की और नाराज तुम लग रहे हो. अलार्म क्यों बजाया? आई वॉन्ट टू सी यू इन एक्शन. चार्ली मैस्कर इन अस. अब तो खुश हो ना? अपनी शॉपिंग खत्म करके मुझे पिकअप कर ले. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हेलो. हैंड्स अप. हेलो एंड हैंड्स अप. हेलो Everyone, good morning. तुम ही तो मेरी इंस्पिरेशन हो रिया. इंस्पिरेशन अपने पास रखो और मुझे मेरा शेयर दो. वो तो तुम ऑलरेडी ले चुकी हो रिया. तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते. यू आर अ रियल आर्टिस्ट चार्ली. चलो कहीं जाके सेलिब्रेट करते हैं. रूल्स तुम जानती हो. जॉब के पहले के और बाद के 6 महीने हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. इट्स ओनली 6 months. लव यू. Thank you.
हेलो शैला, एक महीने पहले मैंने तुम्हें एक पार्सल भिजवाया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो पार्सल चालिक को भेज देना। लगता है चालिक को वो पार्सल भेजने का समय आ गया है। वेयर इज द प्लान गिदियन गवरी? Sheila, my heartfelt condolences. Thanks. पति को मरे 4 दिन भी नहीं हुए और इतनी जल्दी मॉर्निंग खत्म हो गई तुम्हारी? क्यों, मेरे काले कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? एनीवे, मुझे यहां क्यों बुलाया? मरने से 1 महीने पहले ये बुक मॉस्को से भेजी थी राज ने तुम्हारे लिए। कहा था अगर उसे कुछ हो जाए तो इसे तुम तक पहुंचा दूं। तुम लोगों की बचपन की यादें एंड ऑल दैट क्रैप। थैंक यू चार्ली। राज और भी काफी कुछ छोड़ गया तुम्हारे लिए, चाहो तो वो भी तुम्हारा हो सकता है। यू आर हॉट शैला, आई नो, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूं। और अगर मैं राज को जानता हूं तो उसने मेरे लिए भी काफी कुछ छोड़ा। सी यू। यहां पूरी लाइब्रेरी है और ये एक बुक के पीछे पड़ा है। अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज ये है। कम ऑन, नॉट अगेन। हेलो नैना, तुमने मेरा कंप्यूटर फिर से हैक किया। अब क्या करे चार्ली, यही तो एक तरीका है तुमसे फोन करवाने का। नैना बी सीरियस, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीवीडी देखनी है। तुम पॉर्न तो नहीं देख रहे? मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप से पॉन देखते हैं। मैं पॉन नहीं देख रहा हूँ। व्हाटएवर, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नाउ आई एम अ मास्टर्स इन कंप्यूटर्स विद अ गोल्ड मेडल। वेल डन। Hey, wow. How you doing, Hottie? Come on, jump in my car. We'll go for a drive. Hello. Hang out. We'll do some stuff. Hello, Nana. Are you there? नैना, दूसरी गुड न्यूज ये है कि कल मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। रियली? फैंटास्टिक। चलो अब मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो। अपने कंप्यूटर पे प्यार से मेरा नाम टाइप कर देना, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर प्यार से, ओके? ठीक है, प्यार से। Whoa!
अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रशियन माफिया ने मेरा गेम बजा दिया है और आज मैं तुझे ये कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी शुरू होती है 1915 में, वर्ल्ड वॉर वन में, जब जर्मनी की आर्मी रोमेनिया की राजधानी बुकारेस्ट तक पहुंची तो रोमेनिया की सरकार ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, अपने साथ जरूरी कागजात और खजाना लेकर। रशिया के जार ने एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हुए वो खजाना अपने पास रखना कबूल किया जंग खत्म होने तक। तो इस तरह 15 अक्टूबर 1916 को टन्स ऑफ गोल्ड ट्रेन के जरिए रोमेनिया से रशिया लाया गया। पर जंग खत्म होने तक रशिया की सरकार पलट गई। नई कम्युनिस्ट सरकार ने रोमेनिया से कहा, आप कौन हो भाई, किस सोने की बात कर रहे हो? और पिछले 95 सालों से वो सोना रशियन जार के विंटर पैलेस में बंद पड़ा है। पर कहानी में ट्विस्ट इस साल आया, रशिया ने फाइनली माना कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ और इस 15 अक्टूबर को वो सोना वापस रोमेनिया पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरह ट्रेन से जैसे कि आया था, प्योर रोमेनियन गोल्ड जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सोने के बिना अगर रोमेनिया 95 सालों तक रह लिया तो आगे भी रह लेगा, और रशिया का तो ये कभी था ही नहीं। अब जिसका कोई नहीं उसका या तो खुदा होता है या तो हम जैसे शरीफ आदमी, है ना? जाते जाते बस एक और टिप देना चाहता हूं तुझे चाली, वो गलती मत करना जो मैंने की। ये काम किसी एक आदमी के बस का नहीं है। यू नीड अ टीम चाली, अ टीम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स, और एक ही आदमी है जो तुझे वो टीम दिला सकता है, हम सबके गुरु विक्टर दादा। विक्टर सर, यही उस घर की तिजोरी है जहां पर चोरी हुई। 3 हफ्ते हो गए हैं पर हम अभी चोर को नहीं पकड़ पाए। अगर एक शातिर चोर को पकड़ना है तो पहले उसे समझो, एक पुलिस वाले की तरह नहीं एक चोर की तरह सोचो। चोरों के 3 रूल्स होते हैं जो उन्हें पुलिस वालों से अलग करते हैं। Rule number 1, चोर एक तरह का आर्टिस्ट होता है और कोई भी आर्टिस्ट अपने हुनर से गद्दारी नहीं करता। एक पुलिस वाला अपना काम भूल जाएगा पर एक चोर नहीं। Rule number 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं चोर नहीं। Once a thief, always a thief. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक पुलिस वाले का दिमाग भागते भागते थक कर जब बैठ जाता है, एक शातिर चोर का दिमाग वहां से दौड़ना शुरू करता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी खा रहे हैं और हमारी बजा रहे हैं? विक्टर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने FIR गलत लिखा है। ये मामला 40 लाख के गहनों की चोरी का है ही नहीं। आइए CA साहब, मेरी मदद कीजिए। तो चलिए वो 2 तस्वीरें गौर से देखते हैं, एक चोरी से पहले की और दूसरी चोरी के बाद की। कुछ फर्क नजर आया दोनों तस्वीरों में? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये कि चोर को मलिक साहब की पेंटिंग चाहिए थी जो वो ले गया, और उसकी जगह नकली पेंटिंग लगा गया। नकली पेंटिंग? ये देखिए ये असली पेंटिंग है। इसके सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए कैसा है, नीचे छोटा है ना। और ये देखिए ये नकली पेंटिंग है, इसके नीचे के सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए लंबा हो गया ना। ये काम किसी औरत का है। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारे CA बताएंगे। चोरी के पहले ये वाज यहां था, लेकिन चोरी के बाद ये अपने आप यहां से यहां आ गया। ये एस्थेटिक्स किसी आदमी के नहीं हो सकते। अब तो समझ गए ना? यस सर। चोरनी अगर पकड़ी गई तो मिठाई जरूर खिलवा देना। जरूर सर, जरूर। कैसा है तू? ठीक हूँ। और मेरी बच्ची नैना? आपकी बच्ची अब बड़ी हो गई। अरे हाँ, 10 साल चले गए यार, 10 साल। वो क्यों नहीं, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? कल ही वापस आई है तो थोड़ी बहुत जेट लैग थी। रहने दे यार, रहने दे, मैं उसे जानता हूँ।
मेरे पे गई है, वो ऐसे नहीं मानेगी। दादा एक और बात थी। हाँ? ये वो 80 एकड़ की जमीन है जो आपने शिमला में देखी थी। ये हमारी स्टूडेंट डॉर्मेट्री है, यहाँ हमारे स्टाफ क्वार्टर्स और वो इतने बढ़िया होंगे कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स सब कुछ छोड़ के यहाँ पढ़ाना चाहेंगे, और यतीम बच्चों के लिए यहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी दुनिया में कम्पीट करने के लिए। इन शॉर्ट, मेरा अधूरा सपना। आपका सपना पूरा हो सकता है। कैसे? आपका CA हूं, कुछ तो सोच के आया होगा। तुमने कुछ सीधा तो नहीं सोचा होगा। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सपने पूरे करने हो तो सीधा तो नहीं सोच सकते ना दादा। आपसे ही सीखा है। राज की मौत के बारे में सुना होगा आपने। वैसे उसे ये काम अकेले नहीं करना चाहिए था। इसमें वो लीड है जो हमें राज से मिली है, और इसमें वो प्लान जो मैंने सोचा है। लेकिन आपका साथ चाहिए दादा, और कुछ प्लेयर्स भी जो सिर्फ आप दिला सकते हैं। तुम जानते हो कि मैं रिटायर हो चुका हूं। Rule number 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। दादा आपने मेरे, राज और हमारे जैसे कितनों के सपने पूरे किए हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका ये एक देखा हुआ सपना पूरा हो जाए। दादा, नैना कह रही थी कि आपको कोई प्रॉमिस के बारे में याद दिलाऊं। ये नैना को देना और कहना कि जेल में उसके पापा ने टोकरियां बना के कमाए हैं। पापा कैसे हैं? ठीक है ना? उनको मेरा प्रॉमिस याद दिलाया? ये लीजिए मैडम, आपके पापा ने आपके लिए दिया है, उनकी मेहनत की कमाई। तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। यस यू आर, यू आर क्राइंग। आई लव हिम चार्ली, उनकी बहुत याद आती है मुझे। इट्स ओके। 3 वीक्स, उसके बाद मेरे पापा और मैं। अगर उनके CA को भी उनसे मिलना है ना, तो अपॉइंटमेंट मेरे थ्रू लेना पड़ेगा। ओके, डन। लीगल हो गया है क्या? ओ कम ऑन नैना, मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूं। अब समझी, ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है। Hey Charlie, Happy birthday Charlie। Hey Charlie, why you gotta be like that? Tonight is your night, let me delight you with हर लम्हा बेकरारी, मीठी मीठी खुमारी, आंखों आंखों में अब तो बीतती है रात सारी। हर लम्हा बेकरारी, मीठी मीठी खुमारी, आंखों आंखों में अब तो बीतती है रात सारी। मोहब्बत का असर है ये, जरा मुश्किल सफर है ये, मुझे अपना सहारा दे, ये रास्ता कर दे तू आसान। अगली लड़की है नादान, इसको बुद्धि दो भगवान। अगली लड़की है नादान, इसको बुद्धि दो भगवान। इसके घर नक्षत्र है वीक, लक्षण इसके नहीं है ठीक। इसकी खतरे में है जान, इसको बुद्धि दो भगवान। अगली लड़की है नादान, इसको बुद्धि दो भगवान।
बस तेरी चाहत के चर्चे फिर तो घर घर फैलेंगे लव तेरे चुप भी रहे तो हफेद ये नैन खोलेंगे माना चल परवाह नहीं है तुझको दुनियादारी की बात जो जाएगी घर तक तो मम्मी डैडी क्या बोलेंगे मेरे कहने में डैडी है मेरी मम्मी भी डैडी है बस एक तेरी अगर हाँ हो तो वो कर देंगे एक सीक्रेट बताऊं जब तक पापा वापस नहीं आ जाते मैं घर नहीं जाऊंगी हाउ रोमांटिक तो ये करते हो तुम जॉब्स के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद रिया तुम गलत समझ रही हो यू नो आई एम अ वन वुमन मैन वो तो ठीक है लेकिन इस मैन की वो वन वुमन कौन है 6 महीने बाद मिली हो सिर्फ सवाल लाई हो मेरे लिए एक गिफ्ट भी लाई हूं हैप्पी बर्थडे चार्ली नाइस ऑफ कोर्स इट्स अ मलिक मलिक साहब फिर तो काफी महंगी होगी इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी रिया एनीथिंग फॉर यू बेबी या विक्टर दादा बिल्कुल सही थे व्हाट हाँ वो विक्टर दादा से मिला था क्या कहा उन्होंने वो तैयार है प्लान तो उन्हें दे दिया है नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर सर विक्टर सर एम्बुलेंस जल्दी जीसस क्राइस्ट प्लीज सेव मी डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें बचा लीजिए अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है इनसे कमिश्नर साहब घबराइए मत इन्हें बचाना तो मेरा फर्ज है हाँ तो मिस्टर बगैंजा क्या सोचा है ऑपरेशन के लिए तैयार है तो बहुत रिस्की लेकिन मैं इस ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ हाँ थैंक यू लेकिन ये ऑपरेशन में खर्चा काफी होगा जानता हूँ इस नंबर पे फोन कर लेना आपको ऑपरेशन की पूरी रकम मिल जाएगी एक आदमी मर रहा है और ये है कि खर्चे की बात कर रहा है ओके कमिश्नर साहब अभी हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं तो आप लोग बाहर जाएंगे प्लीज विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ऑपरेशन डोंट वरी हमारा ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा थैंक यू चलो बहुत कुछ सीखना है दादा लेकिन हमारे प्लेयर्स अरे तुम्हें जो प्लेयर्स चाहिए वो सब यहीं मौजूद हैं एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट बिलाल बशीर बचपन से इसे दो ही शौक हैं विदेशी गाड़ियां और देसी बम तब से एक कान से बिलाल बशीर बिलाल बहरा बन गया फिर भी हर देश में इसके कॉन्टैक्ट्स हैं 32 भाषाएं बोलता है ये एक्सप्लोसिव्स और जासूसी डिवाइसेस का एक्सपर्ट आदाब आदाब और ये है साडा सन्नी मेहरा मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप वैसे ये बनना कुछ और चाहता था एक्टर वो शाहरुख खान का स्टाइल शक्ल देखिए अपनी
जाओ यहाँ से निकलो। जू बीच पर फोटो खिंचाने से हीरो नहीं बनता कोई। उस दिन से इसने डिसाइड किया कि ये शक्लों और मेकअप का एक्सपर्ट बनेगा। लेकिन इनसे थोड़ा होशियार रहना पड़ता है, मेकअप आर्टिस्ट है ना, पेट में कुछ पछता नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि तुम बहुत उम्दा आर्टिस्ट हो। शर्मिंदा कर रहे हो जी आप इतनी तारीफ करके। तू पैदा ही हुआ शर्मिंदा होने? चुप्पे बेरे। क्या? कुछ नहीं। नहीं तूने कुछ बोला? अच्छा लगता है दोनों की बहुत पंथी है। और ये है रॉनी, इंडिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट, यानी कि जादूगर। कुछ कारणों की वजह से रॉनी ने मैजिक शो करना बंद कर दिया, लेकिन थैंक गॉड मेरे कहने पर इस ऑपरेशन के लिए मान गया। थैंक्स रॉनी। यस थैंक यू। और रिया को तो तुम जानते हो, पार्ट टाइम ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और फुल टाइम आर्टिस्ट हमारी तरह। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मर्द है जो इसके चार्म के आगे टिक सके। अगले दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि इन्होंने उस रात साउथ अफ्रीका के सेवंथ रिचेस्ट मैन का दिल ही नहीं, तिजोरी भी तोड़ दी। बट चार्ली, तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैं तुम्हें एक आदमी दे नहीं पाया। एक हैकर? हैकर नहीं, दुनिया का बेस्ट हैकर, स्पाइडर। वो कौन है, कहां रहता है, कोई नहीं जानता। तो फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव? तुम्हारा कोई ऑल्टरनेटिव है? इसका है, इसका है, इसका है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर द बेस्ट। तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। और एक आखिरी बात चार्ली मैस्कुलिनस, बहुत बड़ा प्रॉमिस तोड़ा है मैंने। बाय गॉड, पूरा हिसाब लूंगा आखिरी ग्राम तक। वैसे सुना है ये स्पाइडर है कमाल का हैकर, नासा की दो सैटेलाइट्स हैक कर चुका है। बहन की टकियों को मून जाना था, मार्स पे उतर गई। किस स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो? बस अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। ओ, मुझे लगा वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो आप लोग। तुम ये स्पाइडर के बारे में जानती हो? हाँ थोड़ा बहुत, पर वो कोई और होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक हैकर के साथ क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इंटरेस्ट है ना, उसने मेरे क्लाइंट्स के लाखों डॉलर्स चुराए उनके बैंक अकाउंट्स हैक करके, है ना गाइस? हाँ जी, मेरे तो जी पूरा शोरूम ही हैक करके ले गया, बस शटर छोड़ गया। तुम्हें कैसे मालूम है स्पाइडर के बारे में? हेलो, एथिकल हैकिंग में मैंने मास्टर्स की है और स्पाइडर मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था। क्या तुम जानती हो कि ये स्पाइडर कौन है और कहाँ मिलेगा? आई गॉट दिस क्लोज टू फाइंडिंग हिम अ कपल ऑफ टाइम्स। लास्ट आई हर्ड कि वो हांगकांग में था, पर मेरे ट्रैक करने से पहले वो निकल गया। बहुत स्मार्ट है, पर अगर तुम चाहो तो मैं फिर ट्राई कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट नैना, प्लीज ट्राई करो ना, हम सबके लिए। चार्ली, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाओ। नहीं, मुझे कॉफी चाहिए। I got him, he caught the bait, वो फंस गया। मैंने उसका सिस्टम हैक कर लिया। स्पाइडर इंडियन है। And oh God, मारोगे नहीं, वो गोवा में है। What? क्या उसका एड्रेस मिल सकता है? उसका पोस्टल एड्रेस है।
Air Society Apartment 304. Anjuna. Yes. Let's go, guys. गाड़ी के पास रहो। ओके जी। रिया बिलाल, लिफ्ट लेके ऊपर जाओ और उसका दरवाजा कवर करो। रॉनी, हम दोनों स्टेयर्स ब्लॉक करेंगे। ए पिज्जा बॉय, डिलीवरी दिए बिना वापस कहां जा रहे हो? Ronnie, I got him. It's the pizza boy. Everybody down. आखिर स्पाइडर जाल में फंसी गया। तुम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं कि मैं स्पाइडर हूँ? यू कैन अरेस्ट मी। हम पुलिस वाले नहीं हैं। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें टिप देना चाहते पिज़्ज़ा बॉय, 1,000 करोड़ की। यू नीड अ टीम चार्ली, अ टीम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स। ओ तेरी, इतने सोने का तो एक महल बन सकता है। प्लान क्या है? एक लाइन में बताऊं तो प्लान ये है कि सोना हम उस ट्रेन से उड़ा लेंगे जिसमें ये रशिया से रोमेनिया जाएगा। आर यू सीरियस? हम एक इंटरनेशनल रॉबरी की बात कर रहे हैं और रशिया है तो माफिया तो होगा ही। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल है गिनाना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। गोल्ड जार के इस विंटर पैलेस से पूरी सिक्योरिटी कॉन्वॉय के साथ इस ट्रक में ले जाया जाएगा। फिर सोना इस रशियन मिलिट्री स्टेशन पे एक कार्गो कंटेनर में डाला जाएगा। कंटेनर के अंदर दो लॉक हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा मैन्युअल। और इस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड सिर्फ एक रूसी जनरल को दिया जाएगा। कमिंग टू द ट्रेन, सोने से भरे कार्गो कंटेनर को इस ट्रेन के बीच में डाला जाएगा जिसके आगे और पीछे दो कोचेस होंगे, रशियन कमांडो से भरे हुए। ट्रेन की स्पीड सेट कर दी जाएगी और इसका प्रोग्रेस एक सैटेलाइट ट्रैक करेगा। अगर 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर कुछ भी आया, या ट्रेन धीमी हुई या रुकी, तो बस 3 मिनट के अंदर रशियन फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर दिया जाएगा। और यह सारी इंफॉर्मेशन वहां की न्यूज़पेपर्स में रशियन गवर्नमेंट ने खुद छपवाई है ताकि कोई अपने सपने में भी इस सोने को छूने की गलती ना करे। पर चार्ली भाई, हम लोग ये करेंगे कैसे? तुम लोग के नए मोबाइल्स, इसमें प्लान की सारी डिटेल्स, आप सबके इंडिविजुअल रोल्स और एक बेसिक रशियन स्पीकिंग कोर्स भी है। अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो रिस्क भी बड़ी लेनी पड़ती है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, तुम सब बहुत ही जल्द 1,000 करोड़ के मालिक बनने वाले हैं। सोना तो 10,000 करोड़ का है ना, और हम 6 लोग हैं। TDS काट रही हो क्या? यू ही समझ लो, बाकी का शेयर विक्टर दादा का है। ये विक्टर कौन है? विक्टर दादा को इस टीम का नॉन प्लेइंग कैप्टन समझ लो। उनके गाइडेंस के बगैर इतनी बड़ी रॉबरी करनी नामुमकिन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉबरी के बाद वहां से निकलेंगे कैसे? सही वक्त आने पर एग्जिट प्लान का भी पता चल जाएगा।
सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी। हाँ नैना। व्हाट नैना? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं स्पाइडर को ढूंढूंगी तो तुम मुझे डेट पे ले जाओगे। नैना, आई एम रियली सॉरी। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था लेकिन एक जरूरी काम आ गया है, इसीलिए कल मैं जा रहा हूं। और विक्टर दादा को रिसीव करने के लिए भी तुम्हें अकेले जाना होगा। पर तुम जा कहां रहे हो? अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डील करने के लिए, रशिया। Отлично. Они там. Hiya, madam. Thank you. This is our film, Mina. The heroine. Hi. Director. He's the cameraman. And the assistant director. Hey. Oh, makeup man and spot boy. कम से कम या तो स्टार बना दिया होता बेरे। Thanks. Your train. Enjoy shooting in Russia. Great. मेरी बात समझने की कोशिश करो। इससे ज्यादा मैं और नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किससे बात कर रहे थे? रशियन मिलिट्री बेस से रोमेनिया तक बस एक ही टनल है और गोल ट्रेन को इस टनल क्रॉस करने में 2 मिनट लगेंगे। और इन 2 मिनट के अंदर रॉनी, तुम्हें अपनी ट्रिक करनी होगी एंड स्पाइडर, तुम्हें रशियन सैटेलाइट को हैक करना होगा। अगर हैक करने के बाद रशियन सिस्टम सिर्फ 10 मिनट के लिए डाउन होगा, उसके बाद सिस्टम शुरू हो जाएगा वापस। इसका मतलब है कि हमारे पास बस 10 मिनट है पूरी रॉबरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। Ticket, please. Thank you. ये ट्रेन कैसे चल रही है? यार ये जादूगर भाई सच्ची में डेंजरस आदमी है। कंटिन्यू। चार्ली, मैंने इंजन रिप्लेस कर दिया है, अब मैं ये पावर बूस्टर्स फिट करने जा रही हूँ। इफ ऑल गोज वेल तो ये खटारा दिखने वाला डीजल इंजन उस स्पीड से भागेगा जो स्पीड हम चाहते हैं। हेलो। हाँ सी, ये सब कैसा चल रहा है? उसी में लगे हुए हैं पूरी तरह इन्वॉल्व होके। अरे इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाना कि वहां से निकलना कैसे है ये याद ना रहे, समझ गए ना? यस सर। स्पाइडी, विक्टर दादा ने एग्जिट प्लान भेजा है, जरा चेक कर लो। ग्रेट। चार्ली, रशियन मिलिट्री वेबसाइट हैक हो गई है। यून ऑफिसर्स की लिस्ट से जो उस दिन गोल्ड ले जाने वाली ट्रेन की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होंगे, नाम रैंक के हिसाब से है। मतलब ऊपर के 2 जनरल्स सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मिखाइल लेविट्स्की और मेजर जनरल दिमित्री योगोरोव। बिलाल, इन 2 जनरल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या खाते हैं, कितना पीते हैं और सबसे जरूरी बात, कहां सोते हैं। बिलाल, ओ बेरे, इन 2 जनरल्स का इंफॉर्मेशन चाहिए।
तो चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि रहने दो। तो ये है हमारे काम का आदमी। सो रिया, क्या तुम जनरल योगोरोव से मिलने के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स। एन ऑरेंजेस प्लीज। नर्वस? नहीं, ये जो इंतजार करना होता है ना, गॉड। आई नीड अ ड्रिंक। चाली, योगोरोव आ गया। Вечером.
You have to first sing me a song. Why do Indian always mix singing and sex? I see your movies. Hero gets horny, he sings. Heroine gets horny, she sings. Always. So you don't like Indians? I didn't say that. We Russians like all Raj Kapoor movies. I have seen Miranam Joker, Avara, and she Charsobis. You're lying. Prove it. Okay. Mira Juda Kajapani. Yeah, but loom English Tani. अच्छा हुआ इस गाने में चड्डी का जिक्र नहीं है. सिर पे लाल तभी रुशा. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हाहा, वॉइस सैंपल रिकॉर्डेड. धांसू लग रहा है. स्माइल तो कर. Japani, yeah, but loon English tani. Sorpelal topi Rusi. Sorpelal topi Rusi. Pirpi dil hai Hindustani. Paji, topi ke aapki to awaz bhi Rusi hai. Planning ka time ab khatam hua. Players, let's go for gold. योगरोव का ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है. नाउ कांटा लग गया बेटे. तो पंक्चर बना. अब योगरोव को लेने हमारा आदमी जाएगा. सनी, अब तुम्हारी बारी है. ओके जी. दानिया. अब 24 घंटे के लिए आराम से सो जा. वाह, क्या बात है. ठीक है, परफेक्ट बाजी. अब इसका बाप भी पहचान ले तो मेरा नाम सनी मेहरा है. गुड लक चाली भाई. थैंक्स. принеси мне вон ту папку. Не эта папка, красная. Товарищ генерал.
योगरव का ध्यान रखना बेरे। अबे मेरे तू उसकी फिकर छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दे। मजाक छोड़ो सनी, जगह पर सही वक्त पे पहुंच जाना। ओके ओके। Сейчас же проверить все вагоны. Немедленно. Камера лаг гя. Ва, Чарли. Аб чанде карне ка вакт а гая. Это символ дружбы России и Румынии. Рота, кру, гом! Zero one five nine two zero six one zero three five eight. Great, yeah. ट्रेन निकल चुकी है, तैयार रहो मैं। एक्टिवेट कर रही हूं। Tunnel spotted. I can see the tunnel now. Ronnie, Golden Tunnel mein enter hone wali hai. Okay. Ronnie, ab sab kuch tumhare illusion pe depend karta hai.
स्पाइडी, योर टर्न। भाई और बहनों, रुकावट के लिए खेद है। О, нет! Что не так? Я не знаю. Проверь. Хорошо. Time starts now. हमारे पास 10 मिनट है। Buckle up, guys. मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। Ты что-то нашел? Система повреждена. Что? Зови инженеров, быстро! Guys, मुझे गोल्ड ट्रेन दिख रही है। काम कर रहा है, उन्हें हमारी ट्रेन दिखाई नहीं दे रही। गुड जॉब। Что случилось? Вы потеряли связь? कोड क्या है? 0159 0159 2061 20 061 61 61 आगे 0358 0358 That's all? Yeah. Okay. У вас что-то случилось? Все хорошо? Four minutes. रॉनी, क्या हुआ? इल्यूजन में प्रॉब्लम है। क्या? मैंने वीडियो रिवाइंड कर दिया।
चार्ली, टाइम जा रहा है। में कैसे ट्रांसफर होगा? गाइस सिर्फ एक मिनट बाकी है और एक मिनट में सैटेलाइट शुरू हो जाएगा। सैटेलाइट सिस्टम कभी भी शुरू हो सकता है। कम ऑन चार्ली, हरी अप, कम ऑन। चार्ली, हरी अप, इस गोल बार को छोड़ो, जंप। कम ऑन चार्ली, चार्ली, कम ऑन। Все в порядке. Да! Спасибо, друг. Возвращайся на рабочее место. आपसे मिलने आता रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
तो रिया तुम अपने शेयर का क्या करोगी? ये खरीदूंगी, माय ड्रीम मैंशन इन वेलिंगटन। अगले महीने इसका ऑक्शन है, स्टारिंग बिड इज $10 million। चार्ली, तुम्हें एक गोल्ड बार के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। रॉनी, मैंने विक्टर दादा को प्रॉमिस किया था कि आखिरी ग्राम तक का हिसाब दूंगा। हाउ लवली बेटा, इस घर को और तुम्हें कितना मिस किया है मैंने इन 10 सालों में। तो फिर आप इस घर के रूल्स भी समझ लीजिए, अगर आपको किसी से बात करनी हो या मिलना हो, ओनली थ्रू मी। ओके। Just eat. That's my order. Okay. Hello? Dada, we did it. Maine aapse kya kaha tha, Papa? No. The largest robbery of the century. 10,000 crore, Dada. 10,000 crore. Ab aapka sapna pura hoga. Oh, Dada, I'm so happy. Kaash aap aaj hamare saath yahan hote. नहीं पापा, अब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, एक प्रॉमिस कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, पर आपने वो भी तोड़ दी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। नहीं नैना, मैंने ये पैसों के लिए। पापा स्टॉप लाइंग, पिछले 10 सालों से मैंने अपने आप को आपसे दूर रखा सिर्फ इसलिए कि आप कोई गलत काम नहीं करें। शायद आप अपनी बेटी से प्यार ही नहीं करते। गिव मी अ चांस नैना, लेट मी एक्सप्लेन। Success. To the best team in the world. To Charlie, the best player in the world. Cheers. Bilal Bashir, आपके पास एक मौका है हमें ये बताने के लिए कि आप ये 1,000 crore का क्या करेंगे? जी, 500 crore की मैं गाड़ियाँ खरीदूंगा। लेटेस्ट विंटेज, हर मॉडल की एक। और बाकी के पैसे? उन गाड़ियों में पेट्रोल कौन तेरा बाप भरेगा? है? मेरे बाप के पास टाइम नहीं होगा इन फालतू चीजों के लिए, क्योंकि वो अब एक प्रोडक्शन हाउस खोलेगा। हजूरियाल मेरा प्रेजेंट सनी द सुपरस्टार। जादूगर भाई, तुम आज कुछ बताओगे या आज भी साइलेंट मोड में ही रहोगे? नहीं, आज मैं बता सकता हूँ। हो तो बताओ। एक घर बनाऊंगा, ऐसा घर जिसमें दुनिया के हर ऐशो आराम हो, जहाँ सब कुछ अपने आप हो जाए सिर्फ आवाज देने पर। ये तो तू अपने मैजिक से भी कर सकता था। मैजिक से कुछ नहीं होता, सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होती हैं। दुनिया! मेरे उस एक इल्यूजन ने मेरी बेटी को हमेशा के लिए पैरालाइज कर दिया। हिल भी नहीं सकती हूं, लेकिन मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। वो जो बोले बस हो जाए, उसे ये महसूस ही ना हो कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो होगी मेरी सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक। रॉनी, आई होप कि इन पैसों के साथ तुम उसके लिए हर खुशी खरीद सको। बिल्कुल खरीदूंगा, और अगर पैसे कम पड़े तो।
कौन है ये सब, किसके आदमी है? तुम्हें तो पता ही होगा चार्ली, आफ्टर ऑल यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ओ कम ऑन चार्ली, इन बेचारों का आई मीन द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड का दिल मत तोड़ो प्लीज। इन्हें बता दो कि शेला का दिल बहुत बड़ा है और वो उसे कईयों के साथ शेयर करती है अपने पति के सीक्रेट्स की तरह। और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पासा चाली को भेज देना, प्योर रोमेनियन गोल्ड, उसका या तो बदला या तो हम जैसे शरीफ आदमी। और बोलो कि तुम्हें पता था कि राज के फ्यूनरल पे सिर्फ तुम ही नहीं थे, मैं भी था। और एक और बात, जिस हैकर को दुनिया भर में कोई नहीं ढूंढ पाया वो तुम्हें बैठे बैठे गोवा में मिल गया, जस्ट लाइक दैट। और तुम में से किसी की भी घंटी नहीं बची। तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें अपना पता बताया। डिलीवरी दिए बिना कहा जा, तुम्हें लगा कि तुम मेरे पीछे पड़े थे मगर तुम मेरे पीछे नहीं, मैं तुम्हारे आगे था, हर कदम के एक कदम आगे। हाँ सिर्फ एक मोमेंट लिए मुझे ऐसा लगा कि कुछ पत्ते तुम अपने पास रखोगे। सही वक्त आने पर एग्जिट प्लान का भी पता चल जाएगा। पर फिर वो एग्जिट प्लान तुमने मुझे प्लेट पे लाके दे दिया। विक्टर दादा ने एग्जिट प्लान भेजा, जरा चेक कर लो। बस मैंने उस एग्जिट प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये जगह विक्टर के एग्जिट प्लान के मुताबिक नहीं, मेरे एग्जिट प्लान के मुताबिक है। जगह भी मेरी, लोग भी मेरे, और तुम्हारे विक्टर दादा के लोग यहां से 30 किलोमीटर दूर कहीं बर्फ में अपने गन्स के साथ टांडिया खेल रहे होंगे। सो कम ऑन चार्ली द मास्टर प्लानर, प्लीज मुझे बता दो तुम्हें ये सब पता था। नहीं, पर मुझे ये पता था कि ये काम मैं कर सकता हूं, अपने दिमाग से और अपनी टीम के हौसले से, और मैंने ये किया। और तुझे पता था कि तू ये काम नहीं कर सकता है, सोना पाने का तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, धोखा। अबे ए मकड़ी, हमारे साथ जो करना है वो कर ले, लेकिन याद रख विक्टर दादा तुझे छोड़ेंगे नहीं। माना इस कहानी का विलेन मैं निकला, मगर मेरे भाई इतना तो क्रेडिट तो मैंने इसके बारे में कुछ तो सोचा होगा। पिछले 10 सालों से मैंने अपने आप को आपसे दूर रखा सिर्फ इसलिए कि आप नैना। बेटी तुम अंदर रहो, बाहर मत आना, अंदर रहो। पापा, पापा। चार्ली, एक ही दिन में तुमने अपना गुरु, दोस्त और प्यार खो दिया।
क्या तुम अब भी जिंदा रहना चाहते हो? नैना, I'm sorry. यही कहने आए हो ना मुझे? नैना मेरी बात तो सुनो. क्यों सुनूं? और किन किन बातों के लिए तुम्हें माफ करूं? इस बात के लिए कि पिछले 10 सालों से तुम मेरे पापा का सीए होने का नाटक कर रहे हो, कि इस बात के लिए कि तुम्हारे दिए हुए लालच के कारण मेरे पापा ने मेरा प्रॉमिस तोड़ा. नैना, मैं स्पाइडर के बहुत करीब पहुंच चुका हूं. और कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश करोगे कि स्पाइडर ने पापा को मारा है? गोली उसने चलवाई थी, पर गन के सामने उन्हें खड़ा तुमने किया था. यू किल्ड हिम चार्ली. नैना, और दुख की बात यह है कि मेरे पापा कुछ पैसों के लिए तैयार हो गए. इनफ नैना. अफसोस इस बात का नहीं कि तुमने मुझे गलत समझा, अफसोस इस बात का है कि तुमने विक्टर दादा को गलत समझा है. उन्होंने तुम्हारा प्रॉमिस पैसों के लिए नहीं, अपने सपने के लिए तोड़ा था. इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्फिनेज बनाने का सपना, ताकि फिर कोई बच्चा विक्टर या चार्ली ना बने. And trust me, Nana. ये सपना मैं पूरा करूंगा. सॉरी बेटी, मैंने तुम्हें दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया. मैं कुछ ऐसा करना चाहता था ताकि तुम जब भी मेरे बारे में सोचो तुम्हें फक्र हो बेटी. दादा, आपका सपना जरूर पूरा होगा. मेरे पापा के सपने को तुम अकेले पूरा नहीं करोगे. और एक बात चार्ली मास्करेनस, स्पाइडर से पापा की मौत का और गोल का हिसाब मैं लूंगी, आखिरी ग्राम तक का हिसाब. ये लो, विक्टर दादा वापस आ गए. ये रहे हमारे पासपोर्ट्स, वीजा और बाकी के डॉक्यूमेंट्स. जा कहाँ रहे हम? न्यूजीलैंड. स्पाइडर तक पहुंचने का क्लू वहीं से मिला है. रिमेंबर दिस, ये वो आखिरी गोल्ड बार है जो मैंने ट्रेन से उठाया था. पिछले 1 साल से
इस गोल्ड बार को लेके मैं दुनिया भर के गोल्ड मार्केट्स में घूमा हूँ, इस खोज में कि कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा डीलर मिलेगा जो ठीक ऐसे ही एक और रोमेनियन गोल्ड बार मेरे लिए ढूंढ सके। ऑकलैंड में एक डीलर मिला। How many do you want? How many you can find? Give me a week. You call when ready, my boss come to deal. Okay? Okay. और दो दिन पहले उस डीलर का फोन आया था, वो मिलना चाहता है। Yes, we reach Auckland. We should meet today, do deal. Yes, boss also with me. Okay? Huh? अब ये boss कौन है जी? आओ दिखाता हूँ boss कौन है। तुझे पता है क्या बहरे? This my boss, Mr. Jhaveri Bazaar, India very big gold dealer. Nice to meet you, Mr. Bazaar. So, Mr. Bazaar, how many gold bars would you like to buy? My price, $40,000 per bar. Oh, my phone. I got it. No problem. Boss won't speak astrologer before big deal. We're Indians, see? Yes. Indians. Very religious people. हेलो, माइक्रोचिप ने काम शुरू कर दिया चाली। माने मुहूर्त बहुत अच्छा है। ओके, चल निकल ले बेटा, अपना काम हो गया। डील इज ऑन। बोस लाइक शेक हैंड व्हेन डील डन। ओह यस, थैंक यू। व्हाट अ स्टाइल सर, यू मेड अ डील विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। व्हाट अ पर्सनालिटी। कान तरस गई जी सुनने को। 15 साल स्ट्रगल किया, एक पहला बंदा मिला है जिसने मेरी कदर समझी है। लोग तो साले आवारा कुत्ते की तरह दुत्कार देते थे। बोस वेरी हैप्पी, डील डन। थैंक यू। थैंक यू डॉग। चलिए, इंडियंस वेरी रिलीजियस वेरी क्रेजी। बिल्कुल मेरे जवेरी बाजार, बड़ी एक्टिंग शक्टिंग किया तूने आज। आज पता चला मैं कितना बड़ा एक्टर हूं, पर ये एक्टिंग की क्रेडिट डायरेक्टर को जाती है। नॉट बैड। कब से कर रहे हो ये सब? 7 साल। 7 साल से? 7 साल का था तब से। रियली? डीलर का कॉल ट्रेस हो रहा है, पिक इट अप प्लीज। हेलो, हाउ आर यू? वही है, दैट्स स्पाइडर, ट्रेस करो। I'm good, sir. This time I have a very big order for you. How big? Singapore se signal aa raha hai. Matlab Spider Singapore mein hai. It's 1,000 bars, sir. 1,000 bars. Who's the buyer? Aur ab Mexico. Wo apna signal bounce karwa raha hai. They're Indian, sir. Indians? New Zealand. Spider yahi New Zealand mein hai. Very big man.
Is it a confirmed order? Wellington. He's in Wellington. 10 more seconds aur main uska exact location bata sakti hun. It's a confirmed order. Did you do a background check on them? 8 seconds. 5 seconds. No, sir. What? You moron. 3 seconds. But, sir. Oh. Damn. Sala 3 seconds aur baat karta to uske baap ka kya jata? At least itna to malum hai ki spider Wellington mein. Usse kya hoga? Itne bade Wellington mein kahan dhoondega usse pehre, haan? Sunny sahi keh raha hai. हमें कोई तो क्लू चाहिए होगा और वो क्लू हमें यहाँ ऑकलैंड में ही मिलेगा. नैना, तुम और मैं डीलर के वेयरहाउस को रेड करेंगे. और हम क्या करेंगे? तुम दोनों वही करोगे जो तुम दोनों हमेशा करते हो. कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा. अबे साले जोर से बोल. कुत्ते. अबे खामोश. चली को राख कहते हैं, बोझे को खाक कहते हैं, और जो राख से बारूद बनाए उसे बिलाल कहते हैं. अबे हाथ संभाल बेरे, वरना आज अगर ये जट पागल हो गया ना तो कईयों को ले मरेगा. आई एम इंडिया, ही इज पाकिस्तान, एंड वी आर फाइटिंग लाइक ऑलवेज. बट व्हाई? अबे साले, जब 60 सालों में हमें नहीं पता चला कि हम क्यों लड़ रहे हैं तो तू क्या समझेगा? हाँ, है ना? हाँ, चल मार. ओए नो, हे हे, स्टॉप इट. साले मजाक मजाक में बोल रहा. स्टॉप. मार रहे हैं. अरे थोड़ा मदद करो यार. ये तो करीब 150 एंट्रीज दिखा रहा है. वेलिंगटन की डिलीवरीज चेक करो, स्पाइडर का सोना वहीं से आता है. क्विक क्विक. वेलिंगटन में 5 एंट्रीज हैं और सिर्फ ये एक एंट्री है जिसमें सप्लायर का नाम और एड्रेस नहीं है पर डेट और टाइम है. यही स्पाइडर की डिलीवरी होगी. यस yes. इस डेट और टाइम का फुटेज इस पे चेक करो. रिवाइंड करना. स्टॉप. प्ले. लड़कियां चाली. मूव. चल चल. गो. We've got someone up there. इस गाड़ी के नंबर प्लेट पे ज़ूम करो. Write it down. DZG 298. Hey, we're reaching Wellington. Yeah, thanks a lot for the information. I'll see you at the castle. All right, thanks, man. You were right, Charlie. गाड़ी का नंबर वेलिंगटन का ही है. कल तक उस गाड़ी के ओनर का नाम और पता मिल जाएगा. The address. Great. चाली, उस लड़की का एड्रेस मिल गया. शायद वही है जो गोल्ड डीलर के वहां डिलीवरी देने आई थी. उसका नाम पैमेला है. ये गाड़ी बीच में कहां से आ गई? जितना टाइम इस चेक पोस्ट को क्रॉस करने में लगेगा उतनी देर में तो ये निकल जाएगी. एक्सक्यूज मी ऑफिसर. यस. इज देयर अ प्रॉब्लम? वी आर इन अ बिट ऑफ अ हरी. देयर हैज बीन अ थेफ्ट एट द म्यूजियम. वी आर चेकिंग एवरी कार. चली, वो निकल रही है. Open your boot. Nena? Bendy, yahi to thi. Kahan gayi? So where's it going to be? Your place?
Oh my. Take right. Oh, your place. Awesome. Stop. Here? You want to do it here? In your dreams, baby. What the? हेलो नैना, कहाँ हो तुम? वहीं जहाँ मुझे होना चाहिए, स्पाइडर के वेब के ठीक सामने। कमीनी ने इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया है, कई सारा का सारा सोना तो उन्हें बेच दिया। इम्पॉसिबल, स्पाइडर उतना ही सोना निकाल रहा है जो कि रशियन माफिया और रशियन गवर्नमेंट की नजर में ना आए। करेक्ट। बिलाल, क्या तुम्हें एक एक्सरे स्कैनर का इंतजाम कर सकते हो जो पूरे कासल में गोल्ड कहां है डिटेक्ट कर सके? वो तो मैं बना लूंगा, लेकिन उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? मैं क्या मिस्टर इंडिया हूँ जो दिखाई नहीं देती? लो, हम ये कैसे भूल गए कि जो स्पाइडर को ढूंढ सकती है वो सॉफ्टवेयर भी बना सकती है। क्यों चार्ली भाई? लो, हो गया इसका हैप्पी बर्थडे। थोड़ा से पिला दो और ले लो जिंदगी के सारे मजे। लड़के ही मजे नहीं लेते, कभी कभी लड़कियां भी ले लेती हैं। What do you mean? Nothing, just speaking from personal experience. तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बर्थडे की शाम मैंने कुछ। छोड़ो ना नैना, let it be. अरे बताओ ना चार्ली। यही कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब खींच लिया। उसके बाद मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और कहा, आई लव यू रिया। व्हाट? बिलाल, चाली, क्या हुआ? अभी अभी मैंने इस मार्केट की सीसीटीवी पर रिया को देखा है। रिया? यार रिया, आर यू शॉक? रिया ही थी? आई एम शॉक। यही है वो फार्मेसी जहां पर रिया खड़ी थी। वो रही रिया। कार क्रैश के बाद स्पाइडर और उसके आदमी वहां से चले गए और मुझे मरा हुआ समझ के वहीं छोड़ गए। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया और मैं खुद को भी खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। बस मेरी लाइफ का एक ही मकसद था, स्पाइडर से बदला, इसलिए उसे ढूंढते हुए वेलिंगटन पहुंची।
लेकिन रिया, स्पाइडर को ढूंढने में हमें इतना वक्त लग गया, तुमने अकेले उसे कैसे ढूंढा? स्पाइडर जो सालिशान विला में रहता है वो मैंने पसंद किया था। माय ड्रीम मैंशन इन वेलिंगटन। अगले महीने इसका ऑक्शन है। स्टारिंग बिड इज $10 million। हो सकता है कोई तुमसे बड़ी बोली लगा दे ऑक्शन में तो। यहां पहुंचते ही मेरा शक सही निकला, उसने वो विला सच में खरीद लिया था। यार मैं भी तो था उस ट्रक में, फिर ये विला वाली बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कोई फायदा नहीं था सनी, स्पाइडर हाईटेक सिक्योरिटी के बीच रहता है, इसलिए अब तक मैं भी कुछ नहीं कर पाई हूं। जो तुम आज तक नहीं कर पाई वो अब करोगे, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो रिया। इस डिवाइस से अंदर रखा हुआ गोल्ड डिटेक्ट हो जाएगा चाली, लेकिन उसके लिए हमें इस डिवाइस को गोल्ड के ऊपर ले जाना होगा। मतलब इसके लिए स्पाइडर के विला में घुसना होगा, पर ये होगा कैसे? इट्स पॉसिबल। शहर के अलग अलग नाइट क्लब से स्पाइडर रोज रात एक नई लड़की को बुलवाता है, कभी चाइनीज, कभी इटालियन, कभी टर्किश। एक ब्राजीलियन वेटर से दोस्ती थी मेरी, उसे भी इसी तरह स्पाइडर ने बुलाया था। तत्सावनु, मतलब हमें किसी लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा? नहीं, ये स्पाइडर का शहर है, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं जाऊंगी। इस ग्रुप में सिर्फ मैं हूं जिसे स्पाइडर नहीं पहचानता। और तुम स्पाइडर को नहीं पहचानती, इसलिए बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मैं जानती हूं कि मैं क्या बात कर रही हूं। अगर तुम्हारे पास इससे बेटर ऑल्टरनेटिव है तो बता दो, अगर नहीं है देन जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। रिया सही कह रही थी नैना, ये आसान काम नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनली। मेरे लिए पर्सनल है, मैंने अपने पापा को खोया है। मैं यहाँ सिर्फ अपने पापा के मर्डर से बदला लेने आई थी, और आज जब मौका मिल रहा है तो मैं पीछे हट जाऊँ? नो, नेवर। आई एम गोना फेस दैट मॉन्स्टर। ठीक है। Fancy Wancy Spider crawled up the water spout. Down came the raindrop and washed the spider out. Washed? Nah. Dress me up, baby. Excuse me, ma'am. Here's a bottle of champagne with an invitation card for you. जैसी गाड़ी हमें चाहिए वो यहां मिल तो जाएगी ना? श्योर यही जगह है? हाँ, मेरे कॉन्टैक्ट ने तो यही बताया था, कहा कि बंदा जीनियस है, हर तरीके की गाड़ी दे सकता है। अरे भाई कोई है? घोड़ा, कुत्ता, बंदर तीनों यहां आ चुके हैं। हाँ।
अरे आप बेफिक्र रहिए, तीनों की ऐसी ठुकाई करूंगा कि शक्लें बदल जाएंगी। ओके, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं गाड़ियों की बात कर रहा था। मैंने आपको पहले कहीं देखा है? एम्स्टर्डम में देखा होगा, लेकिन वो मैं नहीं था, मेरा भाई बुध चोपड़ा बीसी, आई एम एमसी मंगल चोपड़ा। मैं मंगल की रात को 11:55 को आया था और उसको आते आते 12 बज गए। वो मंगल से बुध हो गया, दो जिस्म और एक जान। नहीं छोड़ूंगा उसको। किसको? भाई को? उसको जिसने मेरे भाई की ज्वेलरी शॉप लूट ली, रोड पे ले आया उसको। नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े करूंगा, चोर बाजार में बेचूंगा। सर, सर ये वो चोर नहीं है। अरे सॉरी, ये भाई ये डबल रोल वाला चक्कर है ना, इसमें भाइयों में ऐसी स्ट्रांग फीलिंग होती है जैसे क्या बोलते हैं उसको, राम और श्याम, सीता और गीता, करण अर्जुन। करण अर्जुन डबल रोल लाइक थे, वो पुनर्जन्म का केस था पिताजी। भैया माता जी ने क्या बताया था, हमारे यहाँ बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ये आपके बेटे हैं? मुझसे तो यही कहा गया था भाई। लेकिन ये तो आपको शक है क्या? नहीं नहीं, शक होना चाहिए, मैं रोज करता हूँ। माँ पे गए। ये है सूर्य प्रकाश, वो है चंद्र प्रकाश, और ये है मेरी बीवी शांति, अनिल कपूर की सौतेली बहन। झक्कास। नमस्ते। नमस्ते शांति, मेहमान आए हैं, इनको चाय वाय तो पूछो। अभी लो जी, चाय के प्याज दे पकौड़े। भाई साहब आप अदरक लेते हैं ना चाय में? जी हाँ। अच्छा चलो बेटे, माता जी आज हम मंदिर जाएंगे। हाउ इंडियन। अरे इन्हें भी मॉडिफाई कर दिया मैंने, क्योंकि गाड़ियाँ विदेशी लुक में अच्छी लगती हैं और फॉरेनर्स हमेशा इंडियन संस्कार में अच्छे लगते हैं। जूस। धन्यवाद। ये है हमारे रामू काका। नमस्ते। नमस्ते। ये पहला इंडियन होगा जिसने गोरे को गुलाम बनाया है। कुछ कहा बेटा? नहीं पाइलागू काका। जीत रहा हो बेटा। हाँ अच्छा भैया, कौन सी गाड़ी? हेलो काका गए, गाड़ी कौन सी चाहिए बताइए? केकड़ा, बारासिंगा, कुत्ता, उसे क्या बोलते हैं वो चाहिए? गेंडा। आप लोग नाश्ता कीजिए, फिट फाट करके ठीक कर दूंगा। काका, काके को उठाओ, गेंडा को तैयार करो। नैना इज अ स्मार्ट गर्ल, वो संभाल लेगी। डिवाइस ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। लो जी कैमरा ने भी काम शुरू कर दिया है। गाड़ियों का कलेक्शन तो देखो बिलाल, यही गाड़ियां खरीदना चाहता था ना तू? शो मी बेबी। लेट हर इन बेबी। प्लीज कम। वॉइस ऑटोमेटेड विला, रॉनी का सपना, साले ने हमारा सोना ही नहीं, हमारे सपने भी चुराए। नेक्स्ट। Cool it, baby. Open the web, baby.
हमारा सोना क्या चुराया? ये तो चमकने लगा। परेशान मत हो मेरे, घिस घिस के साले की चमक निकालेंगे। नाइस प्लेस, यू आर वन रिच डूड। हाँ, दुनिया में ऐसे कुछ बेवकूफ थे जो अपना पैसा नहीं संभाल पाए, उन्हीं की मेहरबानी है। वैसे तुम जैसी एक खूबसूरत इंडियन यहां क्या कर रही है? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। Well, I'm here on business. And I'm here to have some fun. I like it. Come in. The bed, baby. Then the jacuzzi. Close it, baby. Come on, Lena.
मिल गया, साले के जकूजी के नीचे अंडरग्राउंड वॉल्ट है। नैना को सिग्नल भेज दो कि बाहर आ जाए। हेलो एवरीबॉडी, चार्ली तुम भी ना, जिस तरीके से तुमने रिया को जनरल लियोग्राफ के पास भेजा था उसी तरीके से तुमने इसे मेरे पास भेज दिया। एवरीबॉडी आउट, आई सेड आउट। Welcome to my web, said a spider to a fly. जब तुम्हारे जिंदा होने का और यहाँ विलिंगटन पहुँचने का मुझे पता चला, I was really happy. Spider, my car was followed from home this morning. No, you dumb woman. You've been followed from Auckland. जिस डीलर से तुमने मेरे बारे में पता किया उसी से मैंने तुम्हारे बारे में, और अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो मुझे लगा कि लाइफ में फिर से एक और बार एक्शन होगा, मगर तुम भी ना चाली, वही घिसी पिटी तरकीबें, वही पुरानी सोच, और तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से पहले वो बेचारा मदारी रॉनी, फिर वो बुढ़ा विक्टर। अगली बार मेरे पापा का नाम लेना तो इज्जत से लेना। घूर क्या रहा है, शुक्र कर कि मेरा लेफ्ट हैंड था। Open the door, baby. Oh, Charlie's got a gun now. क्या करेगा? मारेगा? मार? तू मरेगा तो जरूर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। सबसे पहले मैं तेरी सबसे प्यारी चीज चुराऊंगा जिसमें तेरी जान बसी है। तेरा ये सोना आखिरी ग्राम तक। Gone. In the next 48 hours. Open challenge, huh? Man to man, player to player. मगर 48 घंटे कुछ कम नहीं है। I mean, तुम दो दिन में ऐसा क्या कर सकते हो जो जो आदमी दो मिनट में तुम्हारी इस वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा सकता है, तुम ही सोचो वो दो दिन में क्या करेगा। पहली बार तुमने मुझे इंप्रेस किया चालिया, I like it. 48 hours and your time starts now. Tick tock, tick tock. तुम घड़ी पे ध्यान दो, मैं सोने पे ध्यान देता हूं। बिलाल मुझे लगता है मेरी घड़ी फास्ट है। 48 घंटों में कितने घंटे रह गए जी? पिछले 6 घंटों में तुम ये 12वीं बार पूछ चुके हो। सॉरी जी, पर थोड़ी टेंशन हो रही है। वहाँ तो चौड़े होके बोला ये 48 आवर्स, अब कहीं झंडू ना हो जाए, और वैसे भी बोलना ही था तो 72 बोल सकते थे, 94 बोल सकते थे, पर नहीं 48। मैं तो इसे समझा रहा था कि अरे पगले, चार्ली भाई ने अगर 48 बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। सनी, सोच के ही बोला है। डब्रोस्की को मॉस्को से वेलिंगटन आने में इतना टाइम तो लगेगा। हाँ? बिलाल डब्रोस्की को फोन करो, उसे कहो कि उसे जिस सोने की तलाश 1 साल से है वो यहां वेलिंगटन में है, और अगर उसे वो चाहिए तो 48 घंटे के अंदर यहां पहुंच जाए। ये क्या कह रहे हो चार्ली भाई? अगर रशियन माफिया आ गया तो सारा सोना तो वही ले जाएगा। हमारा यहां आने का पहला मकसद बदला था, सोना चुराना नहीं। चार्ली इज राइट, इट्स नॉट अबाउट द गोल्ड। हमें दुब्रास्की को बुला लेना चाहिए। दिस टाइम यू स्टे आउट ऑफ इट नैना।
मिलिट्री कमांडोस के बीच से सोना तुमने नहीं, हमने चुराया था। चार्ली, हमने इतनी जल्दी हार मान ली? कुछ चीजें हार और जीत से बड़ी होती है रिया। डब्रोस्की को फोन लगाओ। सच में तुम मेरी जान ले लोगे। डोंट वरी बेबी, आज भी इस गन में रबर बुलेट्स हैं। इस माइक्रोफोन से सब सुन ही लिया होगा। चार्ली मैस्करेनास, व्हाट अ लूजर, इन्फॉर्म कर दिया रशियन माफिया को। सॉरी बेबी, मैं उन्हें ज्यादा रोक नहीं पाई। डोंट यू वरी, मेरे गोल तक ना चाली पहुंच सकता है ना ही रशियन माफिया। मेरा नहीं, हमारा गोल्ड। Now that's what I like about you, your attitude. पर अब क्या करना है? करना क्या है, कर दिया है। Now that's what I like about you, you're fast. बैड न्यूज। अब क्या हुआ? मेरे कॉन्ट्रैक्ट से खबर मिली है कि एस सिक्योरिटी से स्पाइडर ने एक आर्मर ट्रक हायर किया है। मतलब 48 घंटे पूरे होने से पहले अपना सोना निकल रहा है? डोंट पैनिक सनी, ये अच्छी खबर है। सोना अब हम वेलिंगटन की सड़कों पे से चुराएंगे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं, दिन दहाड़े। वाओ, What an idea, Charlie. तुमने ये सब इतनी जल्दी सोच लिया? Now that's what I like about you. You're fast. सबसे ज्यादा फास्ट तुम हो बेबी। What a chick. अब प्लान जरा डिटेल में बताओ। प्लान नंबर वन, सनी, तुम इस शहर के सारे नक्शे लाओगे, रोड के ऊपर के मैप और रोड के नीचे जो टनल्स हैं, उनके मैप। फिलहाल अरे ये बंद कैसे? मैप के हिसाब से तो यहां रास्ता होना चाहिए था। इसे मार्क करो। प्लान नंबर टू, नैना, कल कुछ घंटों के लिए तुम्हें वेलिंगटन को मुंबई बनाना होगा, वेलिंगटन का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम करके। हो जाएगा चार्ली, वैसे भी हम इंडियंस को ट्रैफिक जाम करने में बहुत मजा आता है। प्लान नंबर थ्री, रिया, तुम हमारा एग्जिट प्लान संभालोगी। बिलाल की मदद से तुम एक शिप ढूंढोगी जिसमें हम गोल न्यूजीलैंड से बाहर ले जाएंगे। Okay. Thanks for this. That's your ship. और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ऐसी गाड़ियों का इंतजाम करना होगा जो दिखने में सबसे छोटी हो लेकिन दौड़ने में सबसे आगे। Yeah.
कमाल है। परफेक्ट टाइमिंग चार्ली। इतना ज्यादा वेट होते हुए भी गाड़ियां बिल्कुल भी स्लो नहीं हुई। देखा आप लोगों ने, यही तो है मेरे चूहों का कमाल। ये कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं और कितना भी बोझ उठा सकते हैं। अगर इनको रेस में दौड़ाऊं ना, बाय गॉड गोल्ड ही जीत के लाएंगे। गोल्ड ही तो जीतना है, है? एक काम और था। बोलो बोलो। क्या बात है मेरे? या तेरा तो प्रमोशन हो गया। सारा सोना मैं ही लाऊंगा इसमें भर के। अच्छा तेरे पैर तो पहुंचते हैं ना उधर नीचे? ए, बिल्कुल पहुंचते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किससे बात कर रहे थे? नर्स चली गई होगी, मेरी बच्ची के हाथों में इतनी भी ताकत नहीं कि वो अपने पापा को फोन कर सके। एक नर्स है जो कभी कभी उससे बात करवा देती है, लेकिन अगर इसे तुम्हारे रोज ब्रेक होते हैं तो उसे कह दूंगा कि मुझे फोन ना करे। आखिर ये सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूं। ऐसा कोई रूल नहीं है रोनी, जो एक बाप और बेटी के बीच में हो। हे सुपर गर्ल, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लगता है मेरी गुड़िया मुझसे नाराज है। और नहीं तो क्या, एक साल से स्टूपिड बना रहे हो। जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा, कब आओगे आप मेरे पास? बहुत जल्द। और वो सरप्राइज जो आप लाने वाले थे? उसी सरप्राइज की वजह से तुमसे इतना दूर हूं। बड़ा सरप्राइज है ना, इसीलिए लाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। और इस बार आएंगे तो मुझे मैजिक सिखाएंगे ना? मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया कि मैं बड़ी होके मैजिशियन बनूंगी, अपने पापा की तरह। मेरे पापा जैसा और कोई नहीं। यस और नो? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जैसा कोई भी नहीं। बाय कुड़िया। बाय। This one's for Ronnie and Victor Dada. Cheers. 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 May the best player win. सनी कम इन। कम इन कर गया जी, बोलो। सनी पोजीशन पे पहुंच गया? हाँ बिल्कुल, बस गोल्ड का वेट हो रहा है जी यहाँ। चार्ली, यू आर राइट। गेम ऑन गाइस। नैना तुम गोल्ड ट्रक को फॉलो करो। ओके।
hell is going on? Check the system. Check, check fast. God damn it, you guys. तुझे राइट जाना था ना, अब तो जाएगा लेफ्ट. सनी, मेरा काम खत्म और अब तेरा काम शुरू. ओके. आजा मेरी वेल मछली, हाँ, और सोने के अंडे दे. Ready for the race, guys. Three, sharp left. Three, two, one, go! No, not again! God damn it! अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरी जान? बस थोड़ा सा ही तो रह गया है. बिलाल, मैं तैयार हूं. सनी, ट्रक को मार्क पे लेके आओ. ओके. चार्ली मछली टनल में डुबकी मारने के लिए तैयार है. What a plan, Charlie. मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब तुमने मेरा सोना चुरा लिया. तोपा 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 आया आया. अबे साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जो बोला है वो कर और जहाँ बोला है वहाँ पे पहुँच. बस एक बार सोने की मुंह दिखाई कर लूँ, फिर चला जाऊंगा. सनी, सोना ट्रक में नहीं है, ट्रक खाली है. खाली है? मैंने ट्रक के टायर का प्रेशर चेक किया था, मिला के अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए, और दोनों सेम थे. तो फिर ये ट्रक उड़ाया क्यों? ताकि तुम्हारे ऊपर जो कौवा मंडरा रहा है उसे ये लगे कि हम उसके जाल में फंस गए और अब वो आराम से सोना निकाल सकता है. मतलब सोना कहीं और से निकाल रहा है? लेट्स गो. Pamela, get the coal truck out and get it straight to my airstrip. Sure, boss. Yes, Pamela. Sam, we're coming out. Yes, we are ready at the exit point.
Move. Truck aa raha hai. Get ready. 3, 2, 1. Get ready to die. Ye tha mera right hand. Hello? Hello? Speak up, you bimbo. Your bimbo is gone. Agla number tera hai. Kaun? Tera baap. Tera gold leke ja raha hu. Jo ukhadna hai, ukhad le. Charlie. Yes, boss. Sam, बेवकूफ सोना चोरी हो गया है. Go inside and kill them. Okay, boss. Come on, guys.
हेलो चार्ली, तुम लोग कहाँ हो? हम लोग मरीना डॉक पहुँच रहे हैं। एवरीथिंग रेडी देयर? एब्सोल्युटली, तुम लोग का ही वेट कर रही हूँ मरीना डॉक। केयरफुल गाइस, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, ओके? सरप्राइज सरप्राइज, कहानी में ट्विस्ट लाना मेरी आदत सी हो गई है, जिस तरह तुम्हारी आदत हो गई है चार्ली प्रेडिक्टेबल होने की। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, तुम्हारी पुरानी साथी। और तुम्हें लगा कि तुम्हारी मुलाकात इससे दोबारा फ्ली मार्केट में हुई, मगर माफ करना दोस्तों, ये सबसे पहले तुम सब पे नजर रख रही थी मेरे लिए। क्यों क्या ऐसा? चॉइस नहीं थी मेरे पास चार्ली, क्या करती? एक बेसहारा लड़की जिसे दुनिया से अकेले लड़ना था, अपने और अपने बूढ़े माँ बाप के सपने पूरे करने थे। ऐसी कोई स्टोरी सुनना चाहते हो ना तुम? बुलशिट। सच तो ये है दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी विद द विनर, और मॉस्को के उस क्लब में उस रात आई फाउंड माय विनर। नर्वस? नहीं, ये जो इंतजार करना होता है ना, गॉड, आई नीड अ ड्रिंक। Sorry. It's okay. One apple martini, please. Spidey, give me a cigarette. मैं सिगरेट नहीं पीता। Oh. तो ये पैकेट किसका है? और ये क्या? हमारी रॉबरी के बाद का एग्जिट प्लान? स्मार्ट स्पाइडी, अगर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई तो। कहने को तो मेरे पास चॉइस थी तुम्हें स्पाइडर का प्लान बताने की, लेकिन स्पाइडर के बगैर मिशन इम्पॉसिबल था। और फिर मुझे क्या मिलता? ZERO, जीरो। मतलब पैसे के लिए तूने? नौटंकी बंद कर, बता सोना कहाँ है? इतनी बड़ी जगह है, जहाँ सोना है सो जा। Where's my gold?
कोड का है? ओ तेरी, गोल कहाँ है? सरप्राइज सरप्राइज, अगर गोल्ड गाड़ी में नहीं है तो फिर कहाँ है स्पाइडर? सॉरी रिया, मेरे पास भी चॉइस नहीं थी। तुम तो 5,000 करोड़ पे बैठी थी, फिर क्या जरूरत थी वेलिंगटन म्यूजियम से वो पेंटिंग चुराने की? वो निकल गई है। तुम तो रिटायर हो सकती थी, बट देन रिटायर तो सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर नहीं। इसे पता था, इसे तुम्हारे बारे में सब पता था, यू डम वुमन। इस बेचारे को क्यों डांट रहा है स्पाइडर? ये तो अपनी आदत से मजबूर थी। असली बेवकूफ तो तू है, तुझे क्या जरूरत थी वही चुराई हुई पेंटिंग अपने विला में शान से लगाने की? ओपन द डोर बेबी। 5,000 करोड़ का मालिक और अपने विला में लगाता क्या है? एक चुराई हुई पेंटिंग। सस्तेपन की भी हद होती है। ये सब सुन के बोलती बंद हो गई, लेकिन घड़ी तो चल रही है ना, टिकटॉक टिकटॉक। 48 घंटे पूरे होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। पता है स्पाइडर तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि तू हमेशा आगे चलता है, और जो ज्यादा आगे चलता है उसे ये पता नहीं चलता कि कब उसके पीछे पूरी गेम पलट गई। और रही बात कहानी में ट्विस्ट की, तो तू ये कैसे भूल गया कि आखिरी ट्विस्ट विलेन का नहीं, हमेशा हीरो का होता है? अब तो ये ट्विस्ट तुम्हारे जैसे बेवकूफ को भी समझ में आ गया होगा। मैंने तुझे वही इंफॉर्मेशन दी है जो मैं चाहता था कि तुझे मिले। डब्रोस्की को फोन लगाओ। मैं जानता था कि रशियन माफिया की झूठी खबर सुनते ही स्पाइडर अपने वेब से बाहर निकल आएगा, और तू आ गया। हाउ प्रिडिक्टेबल। नो चार्ली, मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रिडिक्टेबल कौन है। मैं अगर चाहूं तो यहां किसी के भी सर पे बंदूक रख सकता हूं, मगर मैं उसके सर पे बंदूक रखूंगा। द चीट हू बिट्रेड यू। स्पाइडी, तुम क्या कर रहे हो? चिल बेबी, तुम्हारी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है, और वैसे भी 6 महीने में जो इन्फॉर्मेशन तुमने देनी थी तुमने दे दी है। और रही बात वफादारी की, तो जब तुम चार्ली जैसे अच्छे आदमी की नहीं हो सकी तो मेरी क्या हो गई? चिल बेब, इस बार कर में असली बुलेट्स है। डिड आई ब्रेक योर हार्ट? चार्ली, क्या तुम जानते हो उसने मुझे वो रबर बुलेट वाला नाटक करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी चार्ली। वो नहीं चाहती थी कि मरने से पहले तुम जानो कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम किसी की जान तो ले सकते हो, मगर उसका दिल नहीं तोड़ सकते। Women, I tell you. So my predictable good man, मुझे बताओ मेरा सोना कहाँ है? यही है वो विनर जो तुमने चुना था। Come on, Charlie, tell me, Charlie. I don't have all the time. Charlie, मुझे बताओ नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। You're wasting my time, Charlie. मैं इसे गोली मार दूंगा। Wait. बताता हूँ। उस वक्त मेरे पास चॉइस नहीं थी, पर अब
रिया बिलाल गोल का है जिंदगी भर मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुझे मार नहीं पाया Incy spider crawl up the wall of spider Down came the raindrop. Вам звоночек. Возьмите трубочку. Давай. Hello. Romanian Gold? They're in Wellington. Hello. 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 Пошли. ये तीनों गाड़ियां कौन सी है? एक मिनट मैं बताता हूँ बरखुरदार ये तीनों गाड़ियों का ट्विस्ट तो अब बात समझ में आई सोने से भरी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ दी और ये खाली गाड़ियाँ ले गए क्या बात है चार्ली भाई ऑल थैंक्स टू एमसी एंड हिज फैमिली अरे भाई आप हिंदुस्तानी हो और हर हिंदुस्तानी के लिए जान भी हाजिर है चलिए 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 कम ऑन बाय बाय थोड़ा रुक जाते तो सत्यनारायण की कथा का प्रसाद लेके जाते अरे मेरी जान उनको प्रसाद मिल चुका है अब बढ़ रही है मेरी हंगर चलें घर के अंदर चलो चलो नहीं अरे चल
खाने की बात कर रहा हूं। गाइस रशियन माफिया, एवरीवन बी कूल, कोई इनके साथ बहस नहीं करेगा। प्रवेश मोशनी। बट सर प्लीज। शट अप, अंडरस्टैंड। Empty. No gold. No gold? साला इन गाड़ियों में भी नहीं है, तो गोल्ड गया कहां? चुपचाप कर रहे। क्यों बे मेरे, बड़े गुस्से में लग रहा है? ए, देख बेरे, आज पंगा मत ले। 1,000 करोड़ का नुकसान खा के बैठा है ये आदमी। अरे जान लगा दी सोने के पीछे और मिला क्या? बाबा जी का घंटा। घर जाके बाप को क्या बोलूंगा? ये गाड़ी है ना तेरे बाप के लिए। ओए, क्या गाड़ी गाड़ी लगा रखा है? चलो चलो छोड़ो ये सब, शैंपेन पिला इसे। हाँ, जहर पिला दो थोड़ा। तुम जहर नहीं शैंपेन पियोगे। अरे ये गाड़ी तो छोड़ देते, एक यही तो निशानी थी। ओ तेरी, ये सोने की है? और बाकी गाड़ियाँ? तुम्हें क्या लगता है, आप गाड़ी सिर्फ स्टील या लोहे की बनाते हैं या? अरे तांबे की, पीतल की, फाइबर की, थर्माकोल की, आप जो बोलो फटाफट। यूं सोने की। हाँ तो बोलो। सोने की? सोने की मतलब सोना गाड़ियों में नहीं था, गाड़ियाँ ही सोने की थी। लोग रह जाएंगे अक्के बक्के जब वो देखेंगे मेरी गाड़ी के सोने के चक्के। बोलो बेटा। ओपन दी गेट पापा। Bye.